इस क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डिवीजन एल्गोरिथम ये ऑन है कि नहीं? यस, बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी नो दैट एनी इंटीजर एक्स व्हेन डिवाइडेड बाय 8 द क्वोशेंट इज क्यू एंड रिमाइंडर इज आर एंड वेयर आर टेक्स इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू 8 आर इज लेस देन 8 आर बीइंग एन इंटीजर आर की जो वैल्यूज होंगी ना क्या क्या होंगी देखो तो आर की वैल्यू या तो 0 होगी या तो आर की वैल्यू 1 होगी या तो 2 होगी 3 4 आई एम जस्ट मेंशनिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर अप टू 7 एक आर की हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कैसा होगा तो एक्स होगा तुम्हारा अगर आर 0 हो गया तो एक्स क्या हो गया 8 क्यू मतलब मल्टीपल ऑफ 8 आर 1 हो गया तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 8 क्यू प्लस 1 ऐसे आर 2 पर 8 क्यू प्लस 2 आर 3 पर 8 क्यू प्लस 3 8 क्यू प्लस 4 8 क्यू प्लस 5 8 क्यू प्लस 6 and 8 cube plus 7. These are the exhaustive possibilities. R equal to 2, R equal to 3, R equal to 4, R equal to 5, R equal to 6, and R equal to 7. ये सारी possibilities हैं R के respect में X की. X क्या है? तो X एक integer है. X एक integer है. अभी मैंने X को सिर्फ एक integer बोला और किसी भी integer के लिए division algorithm 8 के रिस्पेक्ट में ये 8 पॉसिबिलिटीज को डिस्क्राइब करता है. अब क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि x क्या है? x एक ऑड इंटीजर है. तो अगर x ऑड इंटीजर है तो x की क्या खास बात होगी जी? ऑड इंटीजर होने पर x की क्या खास बात होगी? तो आप यहां लिख देंगे सिंस x इज ऑड x कैन नॉट बी 8 क्यू. 8 क्यू इज इवन because it is divisible by 8, so it is divisible by 2. X cannot be 8 cube plus 2 as well. It is also even. 8 cube plus 4 is also denied. 8 cube plus 6 is also denied for X. So X being an odd integer, X can't be of type 8 cube or 8 cube plus 2 or 8 cube plus 4 or even 8 cube plus 6. These four possibilities of x are denied and therefore what can be the value of x? Therefore x can be only of type what? Only of type 8 cube plus 1 or 8 cube plus 3 or 8 cube plus 5 or 8 cube plus 7. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एक तरीके से आपने वर्कआउट कर दिया. इसको वर्कआउट करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है. आप अपने आप सोचना, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा. कभी मेथड 2 जो मैं आपको हिंट देके बता रहा हूं आपको, ऐसे सोचना सिंस x इज ऑड एंड देयरफॉर x will be taken, x can be taken as 2 times m plus 1, where m is some integer. ये जो symbol है ना, ये वाला symbol मैंने बताया था ना कि ये symbol जो है वो belongs to के लिए इस्तेमाल होता है. अब बेटा यहां पर m क्या है देखो, if x is 2m plus 1 तो m क्या है? तो आप बोलेंगे where m can be any integer. M is any integer. ये जो दूसरा method मैं बता रहा हूं वो argument करने का एक दूसरा procedure है. M अगर कोई integer है तो फिर से division algorithm आपको एक choice देता है कि कोई भी integer M अगर ले रहे हो आप तो वो किस किस कैटेगरी का हो सकता है. तो देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे 8 के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में बात हो रही है क्वेश्चन में. यहां पर ट्वाइस एम है
तो 8 का मल्टीपल आने के लिए m को किस तरह से क्लासिफाई किया जाए, तो हम लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिदम. एनी इंटीजर m कैन बी रिटन एज 4q + r, वेयर r हैज वैल्यू 0, 1, 2 and 3. बात समझ में आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा? ऑडिबल हूं मैं? मेरी आवाज आ रही कि नहीं? ओके, तो ये बात, लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा समझ में आया, m को मैंने 4q + r लिया, r है 0, 1, 2 and 3. अब ये m की वैल्यू को इस x में रिप्लेस किया तो x की वैल्यू क्या आएगी? Therefore x आया, बताओ आप खुद देखो x क्या आएगा. m के जगह पर 2 टाइम्स m, m के जगह मैंने लिख दिया 4q + r, और प्लस 1 तो पहले से ही था, ये देखो यहां 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 जो था ना उसको यहां लिख दिया मैंने. अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 4q क्या हो गया, 8q plus 2r plus 1. अब ये 2r plus 1 हमेशा क्या आएगा, odd आएगा. देखो अब r की सारी वैल्यू एक एक करके देते जाओ, अगर r 0 है तो यहां से क्या रिजल्ट आया, 8q + 1. अगर r की वैल्यू 1 है तो क्या रिजल्ट आएगा, 8q + 3. अगर r की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या आएगा, 8q + 5. अगर r की वैल्यू 3 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8q + 7. तो ये देखो दूसरे मेथड से भी आर्ग्यू करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा. बेटा सेकंड मेथड जो मैंने बताया, सेकंड मेथड में मैंने x क्वेश्चन में दिया था, x एक ऑड इंटीजर है और प्रूफ करो कि कोई भी ऑड इंटीजर ये चार टाइप का होता है, 8q + 1, 8q + 3, 8q + 5, 8q + 7. तो पहले मैंने x को ऑड अज्यूम कर लिया, फिर मैंने आर्ग्यूमेंट दिया कि ऑड इंटीजर हमेशा 2 टाइम्स m प्लस 1, ऑड इंटीजर को 2 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर आता है, तो मैंने उसको 2m प्लस 1 कंसीडर कर लिया. फिर उस 2m प्लस 1 में m जो था ये एक इंटीजर था, और डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि किसी भी इंटीजर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर की वैल्यूज 0, 1, 2 या 3 होंगी. तो कोई भी इंटीजर 4q प्लस r टाइप का होगा जिसमें r की 4 वैल्यूज होंगी. तो मैंने m के जगह पर 4q प्लस r यहां रिप्लेस कर दिया, तो डबल ऑफ m था ना, ट्वाइस ऑफ m था यहां पर. तो ये जो ट्वाइस ऑफ m था, ये ट्वाइस ऑफ m को मैंने यहां लिया ना, यहां पर यहां लिख दिया यहां. तो 2m इज रिप्लेस बाय 4q प्लस r प्लस 1, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 8q प्लस 2r प्लस 1. 8q मतलब 8 का मल्टीपल 8 into quotient plus 2r plus 1 में r की वैल्यू है 0, 1, 2, 3. तो तीनों चारों वैल्यूज r की 1 by 1 रिप्लेस करी, r 0, 8q plus 1, r 1, 8q plus 3, r 2, 8q plus 5, r 3, 8q plus 7. तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी इंटीजर अगर ऑड है तो वो ये चार कैटेगरीज में लाई करेगा, 8q plus 1, 8q plus 3, 8q plus 5 and 8q plus 7. Okay? So now is it clear? Let's take up the next one. Okay, let's take up the question number. Iske baad aapne kaun sa question bola tha? Fifth ke baad next choice tha. Sixth mein koi doubt nahi tha kisi ko. Seventh ka second part kisi bachche ne pucha tha. I think Himanshu ne pucha tha seventh ka second part. तो क्वेश्चन नंबर 7th में डिस्कस कर रहा हूं. देखो 7th क्वेश्चन का पार्ट 2, क्वेश्चन बोला गया प्रूव दैट k स्क्वायर प्लस 5k इज ऑलवेज इवन for every k belongs to integer. अब देखो ये symbol तो belongs to का है, मैंने बोला था लिख लेना. ये for every के लिए ऐसा symbol लगता है, ऐसा for all या for every के लिए ये symbol है. अब इस बात को proof करना है जी, बहुत सारे तरीके हैं. पहले तो मैं बोलूँ ना, verbally सोचो, verbally बिना pen चलाए हुए, k क्या है?
क्वेश्चन में k के बारे में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ k इज एन इंटीजर, राइट। अच्छा जी, अगर कोई इंटीजर है k, तो दो ही बात होगी, या तो ऑड इंटीजर होगा या तो इवन इंटीजर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट? तो वर्बल आर्ग्यूमेंट में मैं बोलूंगा कि भाई देखो, k अगर इंटीजर है, अगर k इंटीजर है तो इसकी दो चॉइस है, आइदर इट इज ऑड और इट इज इवन। ऑड मतलब k की वैल्यू 2 टाइम्स m टाइप की होगी, इवन मतलब k जो है वो 2m प्लस 1 टाइप का होगा। अब अगर k ऑड है तो k स्क्वायर भी ऑड होगा, और k अगर इवन है तो k स्क्वायर भी इवन होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? इवन का स्क्वायर इवन होगा, ऑड का स्क्वायर ऑड होगा, तो k स्क्वायर इवन होगा, और अगर k ऑड है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग k स्क्वायर ऑड होगा। अच्छा, अगर k स्क्वायर ऑड होगा, व्हाट अबाउट 5k? अगर k स्क्वायर ऑड है तो 5 * k क्या होगा? तो k ऑड है। थोड़ा क्लासिफिकेशन यहां मैंने गलत लिखा हुआ, इसको सही कर दो, रिवर्स हो गया वो। हाँ जी, यहां पर इवन लिख दो, ये इवन वाला केस था, ये ऑड वाला केस था, ठीक है। तो अगर k ऑड है तो k स्क्वायर भी ऑड है और 5k भी ऑड है ना, ऑड में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 * ऑड भी क्या होगा? ऑड होगा। और इधर अगर k इवन है तो k स्क्वायर इवन है, k स्क्वायर इवन है और 5k इवन होगा, क्योंकि इवन में ऑड या इवन में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, ऑड या इवन, तो इवन ही आएगा, राइट। तो डू आई नीड टू एक्सप्लेन? इस केस में जाओ, फर्स्ट केस में k स्क्वायर इवन है और 5k भी इवन है, k स्क्वायर प्लस 5k, इवन प्लस इवन क्या होगा? इवन प्लस इवन क्या होगा? इवन होगा। दूसरे केस में जाओ, k ऑड था, k स्क्वायर ऑड है, 5k भी ऑड है, ऑड प्लस ऑड, k स्क्वायर प्लस 5k, ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा? ऑड में ऑड ऐड करके भी क्या आएगा? इवन आएगा। तो दोनों ही केस में आपने देखा कि k स्क्वायर प्लस 5k हमेशा क्या होगा? इवन होगा। तो हो गया प्रूफ। क्लियर है? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? यस बोलो। नहीं समझ में आई तो आप नो बोलो। और या तो एक ऑप्शन और भी है, अगर आप यस और नो नहीं बोलना चाहते हो ना, तो एक तरीका और है बेटा कि आप अपना रेज हैंड कर दिया करो। यस, रेज हैंड का ऑप्शन है, उसको क्लिक करोगे मुझे पता चल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखो, इसी क्वेश्चन को आंसर करने का इससे थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीका है प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने बोला कि के स्क्वायर प्लस 5k स्टेप को देखो, इसको फैक्टराइज कर सकते हो ना आप, k कॉमन फैक्टर है, अगर k को बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा? k into k plus 5 हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब यहां पर मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, इसको कहीं नोट भी कर लो, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको कहीं पर नोट कर लेंगे। अगर दो नंबर्स का सम x और y दो इंटीजर हैं और x प्लस वाई अगर ऑड है, इफ समेशन ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑड, यहां पर बात कर रहा हूं मैं x और y दो इंटीजर की, दोनों इंटीजर हैं, अगर x प्लस वाई ऑड है देन x और y लिख दो यहां पर, देन x एंड y हैव अपोजिट पैरिटी, अपोजिट नेचर। समझो इस बात को, पहले आराम से लिखो और लिखने के बाद इस बात को समझो। दो नंबर्स को ऐड करके अगर ऑड इंटीजर आ रहा है तो दोनों इंटीजर अपोजिट नेचर के होंगे, मतलब एक इवन होगा और दूसरा ऑड होगा। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर दो इंटीजर को ऐड करके इवन आ रहा है, वो दूसरा नोट भी लिख लो, इफ एक्स प्लस वाई
is even, आप बताओ बेटा अब क्या होगा? दो इंटीजर्स का सम अगर इवन है तो आप दोनों इंटीजर के बारे में क्या बोल सकते हैं? ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन प्लस इवन भी इवन होता है. फैंटास्टिक हिमांशु, सेम पैरिटी. देन बोथ एक्स एंड वाई विल बी ऑफ सेम पैरिटी, विल बी ऑफ सेम पैरिटी. बेटा अपना स्पीकर को म्यूट करके रखो प्लीज. कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? लेट मी नो, रेज योर हैंड जिनको ये बात समझ में आ गई. ये दोनों नोट समझ में आ गए? नहीं है, दोबारा पूछा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. समेशन ऑफ टू इंटीजर इज ऑड, then both the integer will be of opposite nature, one will be even, other will be odd. But if the summation of two integer is even, then both integer will be having same parity, means either both will be odd or both will be even. Aur ye kyun hua? Kyunki aap sab common study mein bhi jante ho ki odd plus odd is even, even plus even is even, odd plus even is always odd. गुड गुड गुड, आई गॉट यू, आई गॉट द पॉइंट. आप सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है. अब जरा देखो, क्या इसी बात को जो अभी हमने दो नोट्स डिस्कस किए, क्या इस बात को इसको आर्ग्यू करने के लिए, ये स्टेप के बाद आर्ग्यू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? लेट मी सी कि आप में से किसके पास इस पॉइंट को यूज करके इस क्वेश्चन को खत्म करने का ऑप्शन है. आप सोचो, आराम से सोच करके. आई गिव यू 1.5 or 2 minutes टू थिंक ओवर इट, फिर we can discuss. मैं हर्षित को अनम्यूट कर रहा हूं और हर्षित हर्षित बताएगा जो भी उसके दिमाग में आइडिया. बेटा जो भी तेरे को समझ में आ रहा है आप बोलो. मॉर्निंग सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून बेटा, जो समझ में आ रहा है बोलो. सर, इफ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज इवन, देन सर इट शुड हैव सेम पैरिटी. यस, देन सर वी कैन. नहीं, अगर अगर बेटा अगर इस प्रोडक्ट को तुम्हें इवन प्रूव करना है तो इसका मतलब है कि दोनों फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर को इवन प्रूव करना है. क्योंकि अगर दोनों ऑड होंगे, दोनों ऑड होंगे तो ऑड और ऑड का प्रोडक्ट तो ऑड आ जाएगा. यस सर, हमें इन दोनों में से किसी एक फैक्टर को इवन प्रूफ करना है. मतलब एक एक फैक्टर को इवन प्रूफ करना है. और हमें ये पता है कि अगर दो नंबर को ऐड करके ऑड आता है तो दोनों का पैरिटी अपोजिट होता है. ये दो बातें हैं जिसको लिंक करना है आपको. नमन, ठीक है बेटा, मैं देख सुन रहा हूँ आपको, देख रहा हूँ मैं. हर्षित, do you have any opinion? No sir. कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं. अभी मैं समझाता हूँ उसको, समझना. Okay sir. रीत ने बोला कि when r is 0 then x is 2q then k is 2q. okay and k को आपने 2q रखा, 2q बेटा वो तो एक केस हुआ ना जब k को आपने 2q लिया. यहाँ पर तो k कोई भी इंटीजर है ना, तो k को ऑड भी लेके आपको प्रूफ करना पड़ेगा. वो भी एक तरीका है तुम्हारा कि आप k की वैल्यू, आप समझ रहे हो सभी लोग, देखो k एक इंटीजर है तो आप k को एक बार इवन ले लो तो इवन के लिए तो दिख ही रहा है. और अगर दूसरा केस ले लो कि k जब ऑड होगा तो ऑड के लिए भी दिख रहा है. ध्यान से देखो तब आपको समझ में आ गया होगा. हाँ, एक बार k को 2q ले लो और दूसरी बार k को 2q plus 1 ले लो and this question is over. तो मैं यहां से एक मेथड से पहले प्रूफ कर रहा हूं. ठीक है जी, यहां लिख रहा हूं मैं, if k is equal to, k मान लो इवन है 2m, अगर k को मैंने 2m ले लिया तो उस केस में आ गया ये 2m
into 2m plus 5. अब इसमें इस पूरे प्रोडक्ट में 2 फैक्टर दिख रहा है सबको कि नहीं? 2 टाइम्स m into 2m plus 5, तो ये पूरा प्रोडक्ट क्या हो गया? इवन हो गया. तो पहला केस के लिए तो प्रूव हो गया कि k एक इंटीजर है, तो इंटीजर में अगर इवन इंटीजर हुआ तो बात खत्म हो गई. अब रह गया कि जरूरी तो नहीं कि k इवन इंटीजर है. अगर k ऑड इंटीजर है, मान लो k 2m plus 1 है, दैट इज ऑड है. अब बेटा यहां पर इंटरेस्टिंग है, अगर k 2m plus 1 है और यहां पर मैंने इस एक्सप्रेशन में यहां पर पुट किया, क्या आएगा? k के जगह आएगा 2m plus 1 into, जो दूसरा ब्रैकेट में है वो क्या आएगा? k is 2m plus 1, 2m plus 1 में 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2m plus 6. अब सेकंड ब्रैकेट जो देखो तो इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो आएगा 2 बाहर आ गया into 2m plus 1, तो ऑलरेडी एक फैक्टर था लेफ्ट में, यहां पर 2 यहां से आपने बाहर निकाल दिया, तो 2 को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें रह गया m plus 3. तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन आया 2 multiplied by some integer multiplied by some integer, 2 times any integer is always even. तो फर्स्ट केस k 2m है तो भी प्रूव हो गया इवन है, जब k ऑड है तो भी प्रूव हो गया इवन है. तो अब k या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती किसी इंटीजर के लिए. तो सारे इंटीजर के लिए ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया. कितने लोगों को बात समझ में आ गई? मेथड 2 सबको समझ में आ गया? अच्छा, ये जो मैंने अभी करके दिखाया ना, ये एग्जैक्टली रीत ने यहां पर कुछ बोला कि सर ऐसे कर सकते हैं, और उसी बात को मैंने इलैबोरेट कर दिया. मैं इसको कुछ और तरीके से प्रोसेस करना चाह रहा था. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी देख लो. इधर देखो, ये पहला मेथड तो पहले ऐसे सीधे हो चुका था और ये आपने कर दिया, तो इसको भी मैं आप नोट कर चुके हैं, हटा दूं इसको. ओके, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं. अब यहां से जो फाइनल आर्गुमेंट मेरा है उसको आप ऑब्जर्व करो. मैंने इसको बोला था कि बेटा इसको फैक्टर कर लो, तो आपने फैक्टर करके ऐसा लिखा था k into k plus 5. अब मैंने बोला कि एक काम करो, k जो है ना, k ध्यान से सुनना, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे. अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको एक सेकंड में लगेगा ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन. ये k है और एक और दूसरा वाला फैक्टर क्या है? k plus 5 है. ये दोनों को ऐड कर लो, ये दोनों नंबर्स को ऐड कर लो. क्या आया मुझे बताओ? k प्लस के प्लस 5 क्या आया? 2k प्लस 5. 2k प्लस 5 ऑड है कि इवन? ये जो नंबर आई ये ऑड है या इवन? ऑड है. फैंटास्टिक, क्योंकि इवन में ऑड ऐड कर रहे हैं तो ये ऑड है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने नोट वन को देखो. नोट वन बोलता है कि दो नंबर्स हैं, दो इंटीजर्स हैं, उनको ऐड करके अगर ऑड आ रहा है तो दोनों इंटीजर का अपोजिट नेचर होगा. अब यही बात मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं कि एक फैक्टर, पहला फैक्टर k है और दूसरा फैक्टर k प्लस 5 है, इन दोनों को ऐड करके ऑड आ गया. इसका मतलब है कि पहला और दूसरा दोनों फैक्टर्स का अपोजिट नेचर होगा. मतलब अगर ये ऑड है तो ये इवन होगा, और अगर ये इवन है तो ये ऑड होगा. ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बात सबको क्लियर आ रही है? और अगर ये समझ में आ रही बेटा तो बात फिनिश हो गई कि दो नंबर्स अपोजिट नेचर की हैं, एक इवन है और एक ऑड है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? देयरफॉर प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज इवन. तो देखा आपने, इसमें जो दो केसेस लेके एनालाइज कर रहे थे हम लोग कि एक बार के को ऑड लिया, फिर के को इवन लिया, और फिर दोनों केसेस को अलग अलग चैनलाइज करके किया, वो सारी बात खत्म हो गई और एक स्टेप में आपने क्लैरिटी से कंक्लूड कर दिया कि ये प्रोडक्ट, ये सम जो है k स्क्वायर प्लस 5k हमेशा इवन होगा. तो क्वेश्चन कैसे करना है ये आना चाहिए. पहले तो क्वेश्चन होना चाहिए, उसके बाद जब क्वेश्चन हो जाए ना तो उसको रिफाइन करो कि क्या मैं इसे और बेटर तरीके से कर सकता हूं, क्या मैं और अच्छे तरीके से आर्ग्यू कर सकता हूं या नहीं. जब आप सोचेंगे तो
तो आई कैन बेट कि आप बेटर आंसर कर पाएंगे और अपने आप कंटिन्यूअस अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे और नई चीजें सीख पाएंगे अपने आप खुद से. सेवेंथ क्वेश्चन के बाद में अगला जो एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, एक बार रिकॉल कराओ. तो एट्थ तो किसी ने नहीं पूछा था, नाइन्थ तो मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया था, एट्थ किसी ने पूछा नहीं था. टेंथ, टेंथ क्वेश्चन किसी का था? टेंथ क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर टेन. टेंथ क्वेश्चन में बोला गया प्रूफ दैट द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ एवरी ऑड इंटीजर इज अगेन एन ऑड इंटीजर. स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ एवरी ऑड इंटीजर इज अगेन एन ऑड इंटीजर. तो कैसे इंटीजर की बात हो रही है? ऑड इंटीजर की बात हो रही है. फिर उस ऑड इंटीजर का क्या स्क्वायर या क्यूब? तो सबसे पहले हम हमेशा लेंगे क्या, लेट x be an odd integer. जो हमने एज्यूम किया उसका मतलब क्या है? अब देखो, नॉर्मली जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, सॉल्यूशंस दूंगा बेटा, वो एक अलग बात है. बट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस में जो मैं बताऊंगा ना, जो मैं बोलता हूं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप उसको फॉलो करना शुरू करोगे. तो मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग में मेरे से इंडिपेंडेंट हो जाओ. आई वॉन्ट टू मेक यू इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर. तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता चाहिए होता है? तो दो तीन रिक्वायरमेंट होती है जो बहुत बेसिक होती है. पहली रिक्वायरमेंट होती है कि क्वेश्चन को सीरियसली बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके पढ़ो. मतलब एक गो में पूरा क्वेश्चन को, तीन सेंटेंस का क्वेश्चन है, चार सेंटेंस का क्वेश्चन है, तो एक बार में पढ़ना नहीं चाहिए उसका. हर सेंटेंस को तोड़ तोड़ के, ब्रेक कर करके पीसेस में पढ़ो, फिर उसको समझो कि वो क्या गिवन है. तो पहली होती है कि टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन द क्वेश्चन. फिर उस इंफॉर्मेशन का, कभी कभी इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट दी जाती है, तो उसका मीनिंग क्या है ये समझो, उसको भी समझ लो. फिर ये जानने की कोशिश करो कि क्या पूछ रहे हैं वो, व्हाट इज बीन आस्क्ड. सो यू हैव ऑब्टेंड बाय रीडिंग द क्वेश्चन, ब्रेकिंग इनटू बिट्स एंड पीसेस, यू हैव ऑब्टेंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर गिवन एंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो पूछा जा रहा है उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्या मिल जाए कि उसको मैं प्रूफ कर पाऊंगा, और जो गिवन है उससे मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ. इसको बोलते हैं मूविंग वन स्टेप अहेड एंड ट्रेसिंग वन स्टेप बैक. तो जो पूछा जा रहा है उससे एक स्टेप पहले की तरफ आने की कोशिश करो, जो गिवन है उससे एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करो, फिर देखोगे कि वो चीजें धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएंगी. तो गिवन इंफॉर्मेशन से सॉल्यूशन तक जाने की जो कनेक्टिविटी है ना, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग. और ये एक स्ट्रेटजी है जो आपके अंदर में फॉर्म हो गई, तो आप चाहे मैथ्स कर रहे हो, चाहे फिजिक्स कर रहे हो, चाहे केमिस्ट्री कर रहे हो, हर जगह आप विनर रहोगे. तो मैं जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं एनालाइज कर रहा हूँ, उसको आपको वॉच करना है, आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ चीजों को. बोला गया x एक ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर मतलब क्या? तो आपको तुरंत आपके दिमाग में आवाज आएगी कि इसका मतलब है कि x जो है वो 2k+1 टाइप का है, जहां पर k कोई भी इंटीजर हो सकता है. अब जब आपने ये जो गिवन था उससे ये कंक्लूड कर दिया, अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर. अगर एक्स ऑड इंटीजर है तो इसका स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज, यहां से हमें क्या इंप्लाई होगा कि एक्स स्क्वायर लेते, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा बोलो? अगर एक्स 2k+1 है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2k+1 का होल स्क्वायर. अब बेटा ए प्लस बी का स्क्वायर तो आपको याद होगा ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है a+b × a+b, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आपको बहुत अच्छी तरह से याद है ये आइडेंटिटी, फिर भी मैंने करके दिखा दिया. एनीवे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जरा इसको ओपन करो, अप्लाई करो इसी को. तो ए है 2k, बी है 1, क्या आया 4k² 2ab, 2 × 1 × 2, तो 4k+1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब जरा देखो, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है?
4k, तो मैंने इसको लिख दिया 4k into k plus 1 plus 1. अब जरा मुझे बताओ कि ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन है ये इवन है कि नहीं, इसमें टू फैक्टर है कि नहीं. तो मैं इसको लिख सकता हूं टू का मल्टीपल, टू टाइम्स जो कुछ भी, टू कहलाऊ जो कुछ भी है उसको मैंने लिख दिया है कैपिटल एम, एक इंटीजर है प्लस वन. तो क्लियरली ये क्या है, ऑड इंटीजर है. तो मैंने क्या दिखाया, मैंने दिखाया कि अगर x कोई ऑड इंटीजर है तो उसका स्क्वायर करके भी जो आएगा वो भी क्या है, ऑड इंटीजर है. उज्जवल समझ में आ रहा है, भूमिका, हिमांशु, इज इट क्लियर? ओके बेटा, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने नेम से लॉगिन किया करो सो दैट आई कैन एटलीस्ट तुमसे फेमिलियर हो जाऊं. आई डोंट वांट टू टॉक टू मशीन्स. एंड दूसरा है कि आप लोग बेटा अपना स्क्रीन मत शेयर करो. ओके, तो ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्रूव कर दिया मैंने. इसी में एक दूसरा पार्ट भी था. दूसरा पार्ट क्या था कि अगर x एक ऑड इंटीजर है तो उसका क्यूब भी ऑड इंटीजर होगा. अब देखो यहां पर हमने किया क्या, हमने किया कि x ऑड था उसमें एक x मल्टीप्लाई किया, मतलब ऑड में ऑड मल्टीप्लाई किया, तो ऑड इनटू ऑड ऑड होता है ना. और फिर x स्क्वायर ऑड आ गया, फिर से उसमें एक x मल्टीप्लाई किया, मतलब फिर से ऑड मल्टीप्लाई किया, तो ऑड में फिर से ऑड मल्टीप्लाई होगा, फिर से ऑड आएगा. तो ऑड में ऑड मल्टीप्लाई करते जाओगे तो ऑड आता जाएगा. तो वो सारी पावर x की, ऑड की कोई भी इंटीजर पावर करेंगे तो हमेशा ऑड ही आएगी. बट उसको भी अगर मुझे प्रूफ ही करना है ना, तो प्रूफ करने के लिए भी सिंपल है, इसी सेम केस में यहां से x क्यूब की बात कर लेंगे, x क्यूब की बात करेंगे. अब आप मुझे बताओ कि क्यूब, x क्यूब मतलब है कि 2k plus 1 का होल क्यूब. a plus b का क्यूब का आइडेंटिटी कितने लोगों को पता है, कौन बताएगा मुझको a plus b क्यूब? रीत, रीत, बता सकते हो आप? बोलो, हाँ बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो इसको लिख दिया मैंने यहां पर, वो आइडेंटिटी मैं लिख देता हूं, a प्लस बी होल क्यूब, सभी लोगों को याद है लगभग, इट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ट्रिपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इनटू a प्लस b. तो यहां पर आ जाएगा a हमारा 2k है और b है 1, तो आ जाएगा a क्यूब मींस 8k क्यूब प्लस b क्यूब मींस 1 प्लस ट्रिपल ऑफ a 2k b 1 इंटू 2k प्लस 1. अब आप देखो तो ये जो पहला टर्म है और ये लास्ट टर्म है, इसमें भी टू फैक्टर है देख रहे हो, और यहां भी टू फैक्टर है देख रहे हो, तो ये भी इवन है और ये भी इवन है. तो इवन प्लस इवन प्लस 1, तो ये फर्स्ट और लास्ट फैक्टर में टू कॉमन ले लो तो टू टाइम्स, यहां से आ जाएगा 4k क्यूब, पूरा मैथमेटिकली लिख के दिखा रहा हूं, यहां से 2 कॉमन आएगा तो आएगा 3 इंटू के इंटू 2k प्लस 1 और प्लस 1. तो ये पूरा एक इंटीजर है, मान लो इस इंटीजर को मैंने लैम्डा लिख दिया, तो ये फाइनली आया 2 टाइम्स सम इंटीजर लैम्डा प्लस 1. तो क्लियरली ये क्या है, ऑड है. तो किसी ऑड इंटीजर का स्क्वायर भी ऑड होगा, किसी ऑड इंटीजर का क्यूब भी ऑड होगा. वेरी वेल, वेरी वेल. तो 10th क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा. 10th के बाद में आगे बढ़ते हैं जी. 10th के बाद आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा था बेटा? टेंथ के बाद एक डाउट था, 13th किसी ने पूछा था,
तो 13 तो मैंने बता ही दिया है ना, जो दोनों नोट मैंने लिखा है, प्रूव दैट x माइनस के एंड x प्लस के आर आइदर बोथ ऑड आर बोथ इवन, ठीक है। 13th क्वेश्चन को ये था ऐसा कि x माइनस के एक इंटीजर है और x प्लस के एक इंटीजर है, बोल रहे हैं कि या तो दोनों ऑड होंगे और दोनों इवन होंगे, ये प्रूव करना। तो इसका बेस्ट तरीका है कि इसका मतलब दोनों सेम पैरिटी के होंगे, तो मैंने बोला कि ऐड कर दो, कंसीडर देयर सम, सम लो या डिफरेंस भी ले सकते हो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, x माइनस के एक इंटीजर था और इसी में x प्लस के ऐड कर दिया मैंने, क्या आया, k और माइनस के कैंसिल होके आ गया 2x, और 2x क्या है, इवन इंटीजर है। अब वो नोट आपका जो है सफिशियंट है कि अगर दो नंबर का सम इवन है तो दोनों सेम पैरिटी के होंगे, देयरफॉर x माइनस के एंड x प्लस के मस्ट बी ऑफ सेम पैरिटी मतलब दैट इज आइदर बोथ ऑड और बोथ इवन, यही प्रूफ करना था। 13th क्वेश्चन के बाद आपका कौन सा डाउट था, प्लीज लेट मी नो। 11th किसने बोला बेटा, 11th क्वेश्चन, इफ पी डिवाइड्स क्यू एंड क्यू डिवाइड्स आर देन पी डिवाइड्स आर, वेरी सिंपल बच्चे, वेरी सिंपल। इधर देखो अब यहाँ एग्जैक्टली ये जो 11th क्वेश्चन है, सभी लोग प्लीज अपना अटेंशन 11th क्वेश्चन की तरफ दो। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा नोटेशन बताने जा रहा हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नोटेशन को आप अच्छे से लिख लो, समझ भी लो और अपने नोट में अलग से मेंशन कर लो ये नोटेशन को और यूज प्रैक्टिस में भी लाओ। नोटेशन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स सच दैट B is factor in A, ऐसा लिखो, B is factor in A, then हम क्या लिखते हैं, B अगर A में factor है तो हम लिखते हैं A is equal to B multiplied by some integer, b मल्टीप्लाइड बाई क्यू, यही लिखते हैं। और हम बोलते क्या है, एंड वी रीड, क्या रीड करते हैं ऐसे केस में, दैट b डिवाइड्स a। अब या तो आप बोलो कि b इज फैक्टर इन a, और इसी को ऐसे भी पढ़ते हैं b इज फैक्टर इन ए, तो बी डिवाइड्स ए का भी वही मतलब है और बी इज फैक्टर इन ए का भी वही मतलब है, बी डिवाइड्स ए बोल रहे हो तो भी वही मतलब है और बी ए का फैक्टर है उसका भी वही मतलब है। बी डिवाइड्स ए को लिखते हैं ऐसे सिंबॉलिकली, बी स्लैश ए वर्टिकल लाइन, तो जहां कहीं भी बी स्लैश ए लिखा है इसका मतलब होता है बी डिवाइड से। प्लीज अब इस बात को अपने दिमाग में से, बी अपॉन ए नहीं है, बी डिवाइड्स ए, ऐसा। तो ये मैथ्स में बहुत ही पॉपुलर नोटेशन है, जैसे अब मैं कुछ बोलूंगा आप उसको पहचानो, मैंने बोला 4 डिवाइड्स 8, ट्रू और फॉल्स, सिक्स डिवाइड्स 12, ट्रू और फॉल्स, सिक्स डिवाइड्स 30, ट्रू और फॉल्स, 12 डिवाइड्स 28,
4 divides a true. 4 is a factor in 8. 6 divides 12, true. 6 is a factor in 12. 6 divides 30, true. तो ये सब true है. 6 is a factor in 30. 30 6 का multiple है. 12 6 का multiple है. 8 4 का multiple है. 12 divides 28, false. False है, इसीलिए इसको ऐसे नहीं लिखते, ऐसे cross कर देते हैं. तो अगर B divides A लिख रहा हूं, तो यहां इसको पढ़ रहे हैं हम लोग, B divides A. और अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसका मतलब B does not divide A. B doesn't divide A. तो ये नोटेशन मेरा काम था आपको समझाना. मैथमेटिक्स के नोटेशंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि वो लैंग्वेज को कट शॉर्ट कर देते हैं, तो आपका आंसर का लेंथ रिड्यूस हो जाता है, आप थोड़ा स्मार्ट प्रेजेंटेशन हो जाता है. तो आ जाते हैं अब इस क्वेश्चन पे. जो क्वेश्चन आपने बोला 11th क्वेश्चन को पढ़िए, तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11th की बात करो. 11th क्वेश्चन में दिया P divides Q. तो गिवन जो है वो लिख रहा हूं मैं, P divides Q and क्या दिया हुआ है, Q divides R. ये स्टेटमेंट है जी. P Q को डिवाइड कर रहा है और Q R को डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब क्या होता है कि P Q में फैक्टर है और Q R में फैक्टर है. फिर से रीड करो, मैंने जो बोला उसको समझो. मैंने क्या बोला, P Q में फैक्टर है और Q R में फैक्टर है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, Q R में फैक्टर है इसका मतलब क्या हुआ. Q divides R का मतलब क्या हुआ, Q is equal to, मैं यहां लिख दे रहा हूं, Q divides R implies Q is equal to R into some quotient. Quotient को कुछ लिख देते हैं, चलो ऐसे नहीं लिखते, Q के बजाय R into lambda लिख दो, lambda एक integer है. And एक और बात बोली गई, P divides Q, इसका मतलब क्या है, तो वो भी लिख दिया मैंने. And P divides Q का मतलब क्या है, P is equal to Q ऊपर वाले का कंक्लूजन ठीक नहीं है, उसको रिकंक्लूड करो, गलत लिख दिया गया. और उसी तरह से सेकंड वाले को भी रिकंक्लूड करो. यहां पर जो है ना, इसका इंटरप्रिटेशन गलत है. Q divides R का मतलब है कि Q R में फैक्टर है ना, तो Q अगर R में फैक्टर है तो R को लिखना पड़ेगा, R is equal to Q into lambda. और यहां पर लिखना पड़ेगा Q, P Q में फैक्टर है तो Q को लिखना पड़ेगा P into lambda 1. P divides Q and Q divides R. Therefore, क्वेश्चन खत्म हो गया. अगर P Q में फैक्टर है और Q R में फैक्टर है तो P R में फैक्टर होगा. तो P क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो, R R क्या है, Q into lambda है, और Q क्या है, P into lambda है. तो P into lambda 1 into lambda. तो फाइनली आया कि R is equal to P multiplied by lambda 1 into lambda. दो इंटीजर का प्रोडक्ट भी इंटीजर होता है, तो R अगर P times इंटीजर है तो clearly P is factor in R and therefore R divides P. P divides R. Therefore, P divides R. P divides R. यही प्रूफ करना था, देख लो. बेटा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन की बात यहां नहीं करोगे. डिफरेंशिएशन प्लस टू में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में, प्लस वन के एंड में भी करेंगे. तो नमन उल्टा नहीं आएगा बेटा, सिंपल है. वैसे भी कॉमन सेंस है, देखो P Q में फैक्टर है मतलब है Q बड़ा है, उसके अंदर P एक फैक्टर है.
और ये जो q है वो r में फैक्टर है, तो अगर मैं अंदर वाले नंबर को p ले रहा हूं और ये बड़ी वाली नंबर को q ले रहा हूं, तो p जो है q में फैक्टर हो गया और q खुद r में फैक्टर हो गया, तो r और बड़ा हो गया, ये r हो गया। तो अगर p q में फैक्टर है और q r में फैक्टर है, तो p r में फैक्टर है, तो दिख ही रहा है ना, कॉमन सेंस है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब बताओ 13 के बाद कौन सा डाउट था, 14 15 16 17 18 up to 18, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 आस्था ने बोला सर, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा 10th क्वेश्चन में क्या इशू है बेटा, प्रूव दैट द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ एवरी ऑड इंटीजर, अच्छा हाउ टू जनरलाइज, देखो पहले आप ये बोलो कि ऑड इंटीजर में ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई करके ऑड इंटीजर आता है, पहले ये प्रूफ कर दो, फिर इसके बाद बोलो कि अगर x एक ऑड इंटीजर है एंड यू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग दिस x बाय इटसेल्फ, इसका मतलब वी आर मल्टीप्लाइंग ऑड विद ऑड, सो रिजल्टिंग विल रिमेन ऑड, इसलिए x की सारी इंटीजर पावर ऑड आएंगी। अब इसको परफेक्टली जनरलाइज अगर करना होगा बेटा मैथमेटिकल फॉर्मेट में, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना पड़ेगा, जो अलग से टॉपिक है, आप वेट करो, पीएमआई में कराऊंगा आपको, सेट्स कराने के बाद में पीएमआई कराऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक दिन का लेक्चर होगा और एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, एकदम कमांड हो जाएगा आपको, तो पीएमआई से उसको जनरलाइज करेंगे। अभी आप सिर्फ समझो, समझने वाली बात है, नंबर थ्योरी की बात करें तो उसमें पीएमआई को एंगेज करने की अभी जरूरत नहीं है। इसके बाद में आपने क्वेश्चन नंबर, कोई क्वेश्चन नहीं है इसके बाद, कोई डाउट नहीं था अप टू 18। ओके, तो जो पीसीके था, पीसीके पीछे जो प्रीवियसली कंसीव नॉलेज असेसमेंट था, इसमें कोई डाउट था, फर्स्ट 10, इसमें 10 क्वेश्चंस थे, 8th क्वेश्चन, ओके, तो पीसीके का 8 PCKA का क्वेश्चन नंबर 8, 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, सभी लोग क्वेश्चन को रीड कर लो, अच्छा 9 एंड 10 भी है, ठीक है ठीक है। 8th क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया केप्ट इन अ इनक्यूबेटर ट्यूब, तो एक मान लो ऐसा कोई एक ट्यूब है और इस ट्यूब में कुछ बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया है इसके अंदर में। अब इन्होंने बोला कि ये जो बैक्टीरियम है, इस बैक्टीरियम की खासियत क्या है कि अगर एक्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया है इन द बिगनिंग एक्स है, और वो बैक्टीरिया हर मिनट में डबल हो जाता है, दिस बैक्टीरियम आर मल्टीप्लाइंग In 1 minute, each bacterium divides into 2. तो अगर x है तो after 1 minute कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएगा। फिर अगले 1 minute में कितने हो जाएंगे? 4x हो जाएगा। और इस तरह से double होता जाएगा। Are you getting my point? Because हर minute में एक bacterium 2 में convert हो जाता है। अक्षित कुछ ठीक है बेटा, आप एक बार जो भी आंसर आप दे रहे हो ना, आप लोग एक बार रिव्यू कर लो, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि विदाउट रीथिंकिंग वंस डोंट स्पीक आउट। उसमें क्या था, आपके आंसर का वेट कम होता है, एक बार आपका गलत हो जाएगा ना, और ये बात रिपीट हो गई 2-3 बार, आपने गलत आंसर दे दिया तो दूसरा बंदा ये ओपिनियन बना लेता है कि ये बच्चा जो है बिना सोचे समझे आंसर करता है, तो हो सकता है तुम्हारा आंसर सही है, बट आप एक बार रीथिंक जरूर करो, रीथिंक करने के बाद आपका आंसर वही है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में रहो कि सर यही आंसर है। ओके, तो आई एम कमिंग टू द आंसर। अब इन्होंने बोला फाइनली कि ये डबलिंग तब तक हो रही है जब तक ये बैक्टीरियम जो है वो पूरा ट्यूब फुल नहीं होता, जैसे ऐसे था, अब यहां तक आ गए बैक्टीरिया, फिर यहां तक आ गए बैक्टीरिया, ऐसे होते जा रहे हैं। इट टेक्स 30 मिनट टू गेट कंप्लीटली फुल,
तो 30 मिनट में फुल हो जाएगा ना, फुल हो गया फुल। अब जरा इस प्रोसेस को उल्टा सोचो, उल्टा मतलब एक मिनट में डबल हुआ तो पीछे की तरफ आओ, अगर यहां 2x था तो उसके एक मिनट पहले क्या हो गया, x था, तो हाफ हो गया ना। फॉरवर्ड जा रहे हो तो डबल हो रहा है, और बैकवर्ड आ रहे हो तो क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। ऐसे ही फॉरवर्ड जा रहे हो तो डबल हो रहा है, बट बैकवर्ड आ रहे हो तो हाफ हो रहा है। फॉरवर्ड जा रहे हो तो डबल हो रहा है, बैकवर्ड आ रहे हो तो हाफ हो रहा है। यही बात समझने की है। तो हम बैकवर्ड सोचेंगे कि अगर 30 मिनट पे फुल था तो उसके जस्ट एक मिनट पहले क्या था, 29 मिनट के एंड में क्या था, हाफ था। और उसके एक मिनट पहले हाफ का हाफ क्या हुआ, 1/4। तो 28 मिनट के एंड पे क्या था, 1/4 था। तो क्वेश्चन में बोला गया कि व्हेन द ट्यूब वाज 1/4 फिल्ड, तो 30 मिनट पे फुल था, 29 मिनट पे हाफ था, 28 मिनट पे 1/4 था। तो ट्रेसिंग बैकवर्ड, फुल से पीछे की तरफ चलो तो आपको आंसर मिल जाता है क्या, कि 30 मिनट फुल, फुल को मैंने बोला वन, वन से सिंबलाइज किया, तो एक मिनट पहले गए 29 मिनट, फुल अगर था तो उसका आधा हुआ तो क्या हो गया, 1/2 हो गया, एंड 28 मिनट इसका फिर से हाफ, क्योंकि बैकवर्ड आने पे हाफ हो रहा है, तो आ गया 1/2 का हाफ, 1/4 हो गया। ऐसे 27 मिनट तो फिर से हाफ हुआ ना, हाफ हाफ ऑफ वन था, ये हाफ ऑफ 1/2 था, ऐसे हाफ ऑफ 1/4, 1/8 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अभी सबको क्लियर है, नाइन्थ क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, एक्चुअली अभी हम लोग मैथमेटिक्स जो मेनस्ट्रीम मैथ्स है ना 11th की, वो मैं स्टार्ट कर ही नहीं रहा हूं। अभी थोड़ा सा हम लोगों को ना ये बोलते हैं कि खेलो, इंटरेस्ट लो सब्जेक्ट में, एंजॉय करो सब्जेक्ट को, और धीरे धीरे मैथमेटिकल जो एक इंस्टिंक्ट है उसको जनरेट करो, और फिर अपने बाद अपने आप टॉपिक स्टार्ट होंगे और फटाफट आप आगे बढ़ के आंसर करेंगे, मुझे कुछ सपोर्ट की देने की जरूरत नहीं होगी। नाइन्थ क्वेश्चन को पढ़ो। बोल रहे हैं देयर इज अ चैनल और रिवर, व्हाट एवर यू अज्यूम, ऐसा एक रिवर है, अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये मुझे, ये क्वेश्चन जब मैं आपकी तरह था तो मैंने एक एग्जाम दिया, आप भी वो एग्जाम देंगे, आप में से कई सारे लोग देंगे, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम होता है, 11th के बाद आप देंगे, तो मैंने 10th में था तभी दिया था, मतलब 11th में था, सॉरी 10th नहीं 11th, नॉर्मली लोग 12th में देते हैं, तो मैंने 11th में दिया था। तो उसका रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में देन एसएसबी होता है, उसका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है, तो भोपाल एसएसबी में मैं गया, तो वहां पर फिजिकल टास्क और कमांड टास्क एंड मिलिट्री प्लानिंग की के टेस्टिंग होती है, तो उसमें कमांड टास्क में ये प्रॉब्लम मुझे दी गई थी, तो मुझे याद थी, तो उसको मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैं ये प्रॉब्लम पूछता हूँ हर बार बच्चों से। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेज अ रिवर इज ए मीटर वाइड, तो एक सर्टेन मीटर, वहां पर तो फिजिकली करके दिखाना था, ये विड्थ जो है इसकी वो ए मीटर है, ए मीटर ये वाला विड्थ, चौड़ाई इसकी चैनल की, और यहां भी वही है, ए मीटर है, ये चौड़ाई भी ए मीटर है। फिर बोला Is it possible to cross over the river by bridging it with only two planks? तो हम लोगों को दो तख्ते दिए गए थे, planks तो आप समझते हो ना, ऐसे wooden planks हैं, ऐसे wooden plates होती हैं, ऐसे ऐसा, तो same size के दो wooden planks दिए गए थे और एक rope दी गई थी, वो rope से plank को आप बांध सकते हो, आपको चिपकाने उपकाने का या नेल वेल नहीं था कि आप उसको जोड़ के एक प्लैंक बना दो, ऐसा कुछ भी डिवाइस नहीं था,
और बोला गया कि ये दो प्लैंक्स, ये दोनों प्लैंक्स की विड्थ जो है वो ए है, ए मतलब एग्जैक्टली उतनी है जितनी की इस रिवर की विड्थ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहानी समझ में आ रही ना, स्टोरी समझ में आ रही ना क्या बोला गया? तो एक रियल लाइफ स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो हम लोग के साथ में हुआ वहां पर। तो अब ये दो प्लैंक्स और एक रोप ले करके मेरी पांच लोगों की टीम थी, वो टीम को इस रिवर को क्रॉस कराना था। रिवर का विड्थ कितना है? ए। तो अगर आप एक प्लैंक रखते हो तो भी आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो, विड्थ पे भी नहीं क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि ए प्लैंक है और ए विड्थ का रिवर, तो गिर जाएगा उसमें प्लैंक। और उसको इस तरह से ब्रिज करना था कि पूरा पांच लोगों का टीम को लेके क्रॉस करना था, समझ सकते हो ना, 50-60 केजी के एक एक बच्चे हैं, तो पूरे सबको लेकर के जाना है उधर। तो आपको, आपके सामने यही प्रॉब्लम थी कि इसको कैसे ब्रिज किया जाए कि आप इसको क्रॉस कर सको। आप में से किसी के पास कोई आंसर था, कोई आइडिया आया? आया तो शेयर करो। जो रेज हैंड करेगा उससे मैं पूछूंगा। आरो, तुमने टिक किया, मतलब यू हैव आंसर, कैन आई आस्क? हर्षित, ओके, हाँ हर्षित बोलो। सर मैंने नहीं किया, दूसरा हर्षित है। अच्छा दूसरा हर्षित है, ठीक है। यस सर। आरो, कैन आई आस्क यू? आरो, सर मैंने भी नहीं किया। क्या यार, तुम लोग तो डिसअपॉइंट, पहले किया था अभी नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। एनीवन? जिसके पास भी आइडिया हो बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप बोलना नहीं चाहते हो तो आप लिख के भी बता सकते हो, आई विल मेक आउट। रीत, रीत तुम अनम्यूट क्यों नहीं हो रहे बेटा? ज्वाइन द टू प्लैंक्स टू फॉर्म। यस सर। हाँ बोलो, क्या बोल रही है तुम? सर दोनों प्लैंक्स को ज्वाइन करेंगे ट्राइंगल बनाने के लिए, जहाँ पे वो टर्न कर रहा है, जैसे ये लेटर एल बन रहा है ना। हाँ हाँ, एल जो कॉर्नर है बेंड पे। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। रीत सेज कि ऐसा ऐसा बोल रहे ना आप, ऐसा? यस सर। गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस, फैंटास्टिक, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। समझ में आ गया सब लोगों को क्या हुआ? सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, पहले बताओ। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना था ना कि आपने पाइथागोरस थ्योरम का थोड़ा सा इस्तेमाल है, एक मतलब उसका सेंस को समझना और कुछ नहीं, कि एक ट्रायंगल को लिया और बिकॉज ए विड्थ का ट्रायंगल है ना, तो ऐसा मैं जो डायग्राम पर मैंने करके दिखाया है उससे भी आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल मगर इसको हटा दूं ना और मैं ऐसे दिखाऊं कि ठीक है, हाँ, तो अगर हम ऐसा कर दें कि एक प्लैंक का ए विड्थ का प्लैंक को अगर ऐसे ज्वाइन कर दें, ऐसे ऐसा, उससे क्या होगा ना कि दूसरे कॉर्नर से उसकी डिस्टेंस जो है, और ये सॉलिड है बिकॉज इसको रखोगे ना तो आराम से इसके ऊपर में बैठ सकता है कोई, किनारे किनारे अगर उसको प्रेस कर दिया तो ये सॉलिड हो जाएगा और स्टेबल बन जाएगा, और इसके बाद यहां से इधर ये कॉर्नर पर ले जाओ तो दूसरा प्लैंक का लेंथ सफिशियंट है,
जो उस कॉर्नर पे रीच कर सकता है। अब ये प्रॉपर ब्रिज फॉर्म हो गया, इसको यहाँ रोप से ज्वाइन कर दो, बढ़िया से इसको टाई कर दो और फिर इसके ऊपर से क्रॉस करा दो, ठीक है, इट्स ओके। इसके बाद में आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। 10th वाज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। कितने लोग आंसर आ गया 10th का, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जिसका इसका आ गया प्लीज लेट मी नो। हाँ हाँ क्वेश्चन है तो बोलो। दानिश तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? रीत ने 10th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फैंटास्टिक बेटा, 10th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है। दानिश तुम्हारा क्वेश्चन क्या है बेटा? दानिश हिमांशु का 10th हो गया, परीक्षित का भी 10th हो गया है। दानिश पिछले क्वेश्चन में डाउट है बोलो बेटा बोलो। दानिश यू आर अनम्यूटेड। दानिश ओके ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन। देखो 10th क्वेश्चन जो है जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नमन का भी क्लियर है, तो ऐसा क्यों नहीं करते कोई एक बच्चा एक्सप्लेन कर दे। नमन आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? नहीं, चलो मैं कर देता हूं। नमन सर बियर का कलर तो वो है जो पहले ब्राउन या ब्लैक। नहीं यार, रीत ने बोला व्हाइट पोलर बियर। रीत इज करेक्ट प्रोवाइडेड सी एक्सप्लेन्स व्हाई एंड डन। व्हाइट व्हाइट है सर, व्हाइट है, व्हाइट है पोलर। आरव सेज पोल्स है, व्हाइट है, ठीक है, फैंटास्टिक। रीत एक्सप्लेन करो। सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर दिया हुआ है। बिल्कुल। टाइम 2 सेकंड्स है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यस, तो फ्री फॉल कर रहा है बियर। बियर जो है तो फ्री फॉल में आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यूज किया होगा, है ना? यस सर, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें एक्सेलरेशन 10 होगी। हाँ, तो u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और h कितना दिया हुआ है, डेप्थ कितनी दी हुई है 20 मीटर और t दिया हुआ है 2 सेकंड्स। तो आपने यूज किया h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, है ना? तो आ गया तुम्हारा 20 एंड हाफ, g की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, t स्क्वायर इज 4, तो आंसर आया g इक्वल टू 10। g 10, 10 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g व्हिच इज एट पोल्स, एंड पोल पर जो बियर होता है पोलर बियर व्हाइट कलर का होता है, इसलिए ये व्हाइट होगा, व्हाइट इन कलर, फैंटास्टिक। तो ठीक है जी, ये दिस वाज समथिंग अबाउट जो तुम्हारा फर्स्ट गेम जो आपको दी गई उससे उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो। अब देखो हम क्या करेंगे, आपको आज मैं एक गेम 2 दूंगा, सेकेंड गेम जो आपको मिलेगी ठीक है वो उसके सम्स आपको करने हैं। मैंने जैसा कि बताया था कि ये बेसिक नंबर सिस्टम करने के बाद फिर जो कुछ हम लोग करेंगे ना वो है सेट थ्योरी, पहला टॉपिक में स्टार्ट करूंगा और थोड़ा सा नंबर थ्योरी पर, बिकॉज इंटीजर्स के बारे में इनफ बात हो गई है एलिमेंट्री लेवल की,
तो नंबर सिस्टम का फर्दर एक्सटेंशन जो था वो इंटीजर के बाद क्या था, वो दो तीन पॉइंट फटाफट नोट कर लो। इसका नेक्स्ट एक्सटेंशन था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है और रैशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? तो सिचुएशन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि मान लो कि कोई एक बंदा था और जिसके पास में 5 एप्पल्स थे, ठीक है, और उसके यहां 100 गेस्ट आ गए। अर्ली टाइम की बात कर रहा हूं मैं। तो जब उसके पास 5 एप्पल हुआ था और सपोज करो किसी दिन 7 गेस्ट आ गए थे, तो उसने क्या किया था, उसने बारोइंग करी थी। बारोइंग करके दो बारो किया नेबर से, 7 हो गए, एक एक सबको दे दिया, तो उसका काम चल गया था। और उसके पास 2 की लायबिलिटी थी, वहां से नेगेटिव इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट आया था। बट अगर 100 गेस्ट आ गए और उसने कोशिश करी अपने नेबर्स में जाके, और मान लो सफिशियंट एप्पल्स उसके नेबर में भी नेबर के पास भी नहीं थे, तो ही वॉज बाउंड टू थिंक बियॉन्ड द बॉक्स। तो उस समय उसको, जानते हो ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, द नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो ऐसी एक डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में उसके दिमाग में कुछ बात आई और फिर उसको एक डिवाइन आइडिया मिला कि मान लो एक एप्पल है, राइट? तो उसने ये सोचा कि अब तो कोई रास्ता नहीं है, एप्पल को काट दिया जाए। तो उसने इस एप्पल के पार्ट्स किए इक्वली ऐसे, और जैसे उसके दिमाग में एप्पल को कट करने की बात आई, तो ऑब्वियसली उसको लगा कि फिर इसके पहले वो बेवकूफी कर रहा था। एक एप्पल था और 3 लोग आए थे, तो 2 उसने बारोइंग करी थी, उससे बेटर तो था कि 1-3 इक्वल पार्ट कर देते। तो उसको जो पार्टीशन का कॉन्सेप्ट आया, वहीं से आया पार्ट या फ्रैक्शन का आइडिया जनरेट हुआ। तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के अगर आप 8 इक्वल पार्ट कर दो और उसमें से अगर आप 3 पार्ट्स लेते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3 of 8 बोलते हैं, या इसी को 3/8 बोलते हैं। अगर आप इसमें से 3 के बजाय 5 पार्ट ले लो, 5 पार्ट ले लो, तो आप इसको क्या बोलोगे, 5 of 8 बोलोगे। तो यहीं से एक डेफिनेशन आई क्या, P/Q। तो रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आया कि अ नंबर ऑफ टाइप P/Q where P and Q both are integer and Q is not equal to 0 are called rationals. For example, 2/3, 7/5, 5/9, 1/100, and dot dot dot. और यहीं से इरेशनल नंबर का भी आइडिया आया। व्हाट इज इरेशनल नंबर? तो इरेशनल का मतलब क्या होता है और इसको रैशनल क्यों बोलते हैं, इसको रैशनल क्यों बोलते हैं पहला क्वेश्चन, और इरेशनल नंबर्स का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसको रैशनल क्यों बोलते हैं, तो रैशनल वर्ड जो है ना, वो आपने अगर आप कभी भी जाओगे और डिक्शनरी में भी सर्च करोगे, तो रैशनल का मतलब होता है प्रिडिक्टेबल। रैशनल नंबर का मतलब होता है सर्टन, जो प्रेडिक्टेबल है, डेफिनेट है। तो रैशनल नंबर वो नंबर है जिनका वैल्यू डेफिनेट है, प्रेडिक्टेबल है। 5/8 एग्जैक्टली 5 पार्ट आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो प्रेडिक्टेबल है, सर्टेन अमाउंट है। इरेशनल का मतलब होता है नॉन प्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन। यस बिल्कुल ठीक बात है। तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो रैशनल नहीं है, नॉन रैशनल है। तो इफ एक्स कांट बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड इरेशनल। तो जो नंबर को P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम इरेशनल बोलते हैं। जैसे कि √2, जैसे कि √3, √5,
कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट, रूट सेवन, रूट एट, रूट सिक्स, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं बोलूं पाई ई, तो ये सभी नंबर्स जो है वो इरेशनल नंबर्स हैं, नॉन रैशनल है, ये रैशनल नहीं है, इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसमें दो नंबर्स मैंने लिखे, हो सकता है कि आप उनसे अच्छी तरह से फेमिलियर ना हो, एक मैंने लिखा पाई और एक लिखा ई। पाई क्या है ये तो आप जानते होंगे, और एक नंबर लिखा मैंने ई, ई क्या है, तो ई को बोलते हैं इरेशनल नंबर, यूलर नंबर बोलते हैं, इट नेम इज यूलर, एक मैथमेटिशियन थे उनके नेम पर है यूलर नंबर। ये क्या होती है वो अभी मैं समझा देता हूं, और पाई तो आप जानते हैं, पाई क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। सर्कमफेरेंस टू डायमीटर, किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस मेजर कर लो और उसके डायमीटर और दोनों का रेशियो लो, तो उसी को हम पाई बोलते हैं। यूलर नंबर क्या है, तो यूलर नंबर को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तो आप एक जगह लिख दो फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल वर्ड जो है वो फैक्टर से बना हुआ है, फैक्टर से बना हुआ है, फैक्टर मतलब अभी आपको मैंने समझाया डिवाइजर फैक्टर का मतलब है, तो फैक्टोरियल ऑफ एन, ये डेफिनेशन है बेटा सब लोग नोट कर लो, फैक्टोरियल ऑफ एन डिनोटेड एज, इसको एन के आगे ऐसा एक्सक्लेमेशन जैसा मार्क, या इसी को ऐसे जैसे एंगल लिखते हैं ना एंगल, तो एंगल तो ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे एन ऐसे लिखते हैं, ये दो नोटेशन है फैक्टोरियल एन के। एंड इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी लिख लो, डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका मतलब है कि जब कहीं मैं एन फैक्टोरियल लिखूंगा तो आप ऐसे समझेंगे कि नेचुरल नंबर मतलब वन से स्टार्ट होगी, वन से लेके एन तक की नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर एंड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग लाइक दिस टिल एन, तो ये प्रोडक्ट करके जो नंबर आएगी उसी को हम एन फैक्टोरियल बोलते हैं। तो ऑब्वियसली वन फैक्टोरियल क्या होगा, तो वन फैक्टोरियल वन होगा, टू फैक्टोरियल क्या होगा, टू फैक्टोरियल वन इंटू टू, वन मल्टीप्लाइड बाई टू तो क्या होगा टू होगा, थ्री फैक्टोरियल क्या होगा, अब आप बोलते जाओ सिक्स होगा, तो पिछले फैक्टोरियल में अगली वाली नंबर मल्टीप्लाई करो तो अगला फैक्टोरियल बन जाता है। फोर फैक्टोरियल क्या होगा, तो फोर फैक्टोरियल का मतलब है कि थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई फोर, तो ये आ जाएगा 24। फाइव फैक्टोरियल क्या होगा, तो फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई फाइव, क्या आ जाएगा 120 एंड सो ऑन। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन आपको समझ में आना चाहिए। अब ये नोटेशन आपको समझ में आ गया तो यूलर नंबर समझा सकता हूं मैं। यूलर नंबर को ई से डिनोट करते हैं और ये नंबर कुछ ऐसे ही होती है, वन प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल एंड ऑन अप टू इंफिनिटी। अब इस नंबर को हम यूलर नंबर बोलते हैं और ये नंबर की वैल्यू नहीं बता सकते आप, जैसे पाई जो है इसकी वैल्यू आप नहीं बता सकते 3.14 एंड इसके बाद डेसिमल के बाद इन्फिनिट प्लेसेस तक चले जाओगे, डेफिनेट एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं मिलेगी, डेसिमल के लगभग 6-7 लाख प्लेसेस तक तो इसकी वैल्यू फाइंड करी जा चुकी है और उसमें कोई रेपिटेशन या रिकरेंस नहीं मिला है, इसका मतलब उसकी वैल्यू किसी को नहीं पता है अभी भी। यूलर नंबर में इसकी वैल्यू क्यों नहीं बता सकते आप, क्योंकि देखो फर्स्ट तीन टर्म को ध्यान से देखो, फर्स्ट चार टर्म भी देख लो, तो ये क्या है 1 प्लस 1 2, ये 1 है
पहला वन है, दूसरा भी वन है, अगला वाला 0.5 है, अगला वाला 1/6, 0.1666 ऐसे आता रहेगा। तो ये इतना चार टर्म को सम करो ना तो आ जाता है 2.666 के आसपास आ जाता है ऐसे। बट इसके बाद वाला जो टर्म है 1/4 फैक्टोरियल मींस 1/120, तो है तो ये भी एक नंबर ना, जीरो तो नहीं बोल सकते आप इसको। इसकी वैल्यू 0.1/100 होता तो 0.01 होता, तो 0.00 समथिंग है, तो इसी में 0.00 समथिंग ऐड होगा, तो ये डेसिमल का थर्ड प्लेस पे चेंज होगा। ऐसे अगला टर्म और छोटा है, तो इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म है। ऑल्दो द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंटली व्हाट एवर टर्म यू ऑब्टेन दे आर वेरी स्मॉल बट दे आर नॉट जीरो। सो ये इन्फिनिटी तक इस नंबर में कुछ ना कुछ ऐड होते जा रहा है, तो इसकी वैल्यू तब तक नहीं बता सकते जब तक ये सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को आप कंसिडर ना करो। सिर्फ हम ये क्लेम कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, कहां से कहां तक, तो 6.7 से 2.8 के बीच में। तो यूलर नंबर की वैल्यू 2.7 से 2.8 के बीच में लाई करती है, ये लिख लो नोट्स में, इट लाइज बिटवीन 2.7 एंड 2.8, बट एग्जैक्टली क्या वैल्यू है किसी को नहीं पता है, इसीलिए इसको हम इरेशनल बोलते हैं। तो इरेशनल मतलब बदमाश और रैशनल मतलब शरीफ, रैशनल मतलब प्रेडिक्टेबल, इरेशनल मतलब अनप्रेडिक्टेबल। जैसे जो रैशनल बिहेवियर जिसका होगा उससे आप प्यार से बात करोगे तो प्यार से रिप्लाई करेगा, उसको आप डांट के बोलोगे तो वो भी नाराज होकर रिप्लाई करेगा, तो एंगर के अगेंस्ट में एंगर एंड लव एंड अफेक्शन के अगेंस्ट में अफेक्शन शो करेगा। बट इरेशनल का मतलब क्या हुआ, अनप्रेडिक्टेबल, कि आपने किसी प्यार से बात किया उसने आपको एक थप्पड़ मार दिया, तो ये हो गया इरेशनैलिटी। तो इरेशनैलिटी का मतलब जिसको हम प्रिडिक्ट ना कर सकें, तो ये वो नंबर्स हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू है नहीं, बट वो प्रिडिक्ट नहीं हो सकती। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स समझ में आ गई होंगी। अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज दो तीन लिख लो और फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मंडे से सेट्स स्टार्ट करेंगे और नंबर थ्योरी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें मैं बताता रहूंगा और उस पे सम्स देता रहूंगा, सो देट आप उसको करते रहो। नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। तो पहला, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल्स। बस दो तीन पॉइंट्स बता के मैं खत्म कर रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखो बस। तो जो रैशनल नंबर्स होती है ना उनको अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जैसे, या ऐसा बोलो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होंगे ना वो सारे रैशनल होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी रैशनल्स टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में होंगी, मेरा कहने का मतलब है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे वो रैशनल होंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि finite number of digits after decimal place. जैसे अगर मैं लिखा 2.75 तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर मैं लिखा 3.1549817 तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल प्लेस के बाद जितनी डिजिट्स हैं राइट साइड में वो सभी फाइनाइट हैं, काउंट कर सकते हैं उसको। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल होगा, क्यों, क्योंकि इसको आप 275 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हो ना, डेसिमल के नीचे 1 लिखो और जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दो, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। इसको लिख सकते 3154918 डिवाइडेड बाई डेसिमल के नीचे 1 लिखो और उसके बाद 3 and 3 6 1 7, तो 7 जीरोज लगा दो। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रैशनल नंबर्स हैं, ये समझ में आ गया। अब यहां अगला पॉइंट लिख दो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल्स
are also rationals. तो जो जो numbers terminating नहीं है, decimal form उनका terminating नहीं है, but repeating है. Decimal के बाद digit, जैसे ऐसा मैंने लिखा 2.15151515 and on and on. अगर मैं आपसे बोलता हूं how many places are there beyond decimal, तो आप बोलेंगे there are infinite, there is no limit. तो इसको हम बोलते हैं क्या डेसिमल के बाद डिजिट टर्मिनेट हो रही, नो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है. ये दो पैटर्न है, एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, रेकरिंग बोलते हैं इसको, रेकरिंग. तो इसी रेकरिंग को, रेकरेंस होता है ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं 2.15 और 15 के ऊपर क्या लिख देते हैं बार. ये बार शो करता है कि रिपीटेशन हो रहा है. तो इस ये नंबर भी रैशनल है, और इसको रैशनल शो करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद ही होगा कि मान लिया कि ये नंबर x है और फिर जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतना एक वन के आगे उतने जीरो रख करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करो, वेयर n इज नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग. तो 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो बार जो है दो प्लेस राइट चला जाएगा डेसिमल, तो आ जाएगा 215.15 बार. फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 100x माइनस x, तो 99x आ जाएगा इज इक्वल टू, और यहां पर आ जाएगा 215 में से 2 गया तो आ जाएगा कितना 213, एंड देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी क्या 213 डिवाइडेड बाय 99 व्हिच इज p बाय q, तो रैशनल है. तो मैंने दो बातें लिखी, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमेशा रैशनल होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बट अगर उसमें डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो वो भी रैशनल होंगे, एंड तीसरी बात ये जानने की जरूरत है कि कब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है. तो p बाय q में जब वेयर p एंड q आर को प्राइम, p बाय q अगर ले लो और उसको ऑब्जर्व करो, p एंड q को प्राइम है अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड q हैज अ फॉर्मेट, q का फॉर्मेट 2 raised to the power m इंटू 5 raised to the power n का हो, मतलब अगर किसी फ्रैक्शन के किसी फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में ले जाओ सारे कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद, और फिर उसके डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 2 और 5 दो ही प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 की पावर्स हैं और 5 की पावर्स हैं, इसके अलावा कोई दूसरी प्राइम फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो उसका फॉर्मेट हमेशा टर्मिनेटिंग होगा. और अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी 3, 7 ऐसी कोई भी फैक्टर अगर प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में लोवेस्ट टर्म में ले जाने के बाद, तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. तो इस पहले केस के लिए मैंने बताया कि जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 raised to the power m इंटू 5 raised to the power n का होगा, और दूसरे केस के लिए मैंने बताया डिनोमिनेटर जो है उसमें एटलीस्ट 1 prime other than 2 and 5 present होनी चाहिए, तब वो rational तो होगी but वो terminating decimal के form में नहीं होगी. और lastly last point लिख दो, irrational number क्या है, तो जो terminating भी नहीं है और repeating भी नहीं है, तो neither terminating, यहां लिख दो neither terminating nor recurring repeating numbers are irrational. तो ऐसी numbers को हम irrational बोलते हैं. irrational पर अलग से मैं detail में एक class लूंगा, लेकिन अभी सिर्फ
मैंने नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो पूरा इंट्रोडक्शन में नंबर सिस्टम में जो आपके सामने पिक्चर फॉर्म हुई ना, वो पिक्चर कुछ ऐसे फॉर्म हो रही है कि ये एक छोटी नंबर थी नेचुरल नंबर, इसी में जीरो ऐड करके ये सेट बड़ा हो गया होल नंबर, इसी में फिर नेगेटिव इंटीजर आए और ये सेट और बड़ा हो गया, क्या हो गया अब इंटीजर्स का सेट हो गया, है ना, और इसी तरह से इसमें फ्रैक्शंस ऐड हुई पी बाई क्यू टाइप की, तो वो सेट और बड़ा हो गया, और ये हो गया जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स का सेट। रैशनल नंबर का नोटेशन क्यू होता है ऐसा क्यू, और फिर इसी सेट को अगर मैं ऐसा ऐसा एक स्क्वायर या रेक्टेंगल में डाल दूं, और ये रेक्टेंगल में बाहर जो नंबर्स हैं ये जो है इरेशनल नंबर्स हैं, तो इरेशनल नंबर को हम क्यू बार से डिनोट करते हैं, तो क्यू मतलब रैशनल, क्यू मतलब रैशनल और क्यू बार मतलब इरेशनल, और ये पूरा जो बड़ा सेट फॉर्म हुआ इसी को हम लोग रियल सिस्टम बोलते हैं, रियल नंबर सिस्टम आर। तो ग्रुप में ऐप के ऊपर में आप जाएंगे, आपका जो बैच है MIIT KM+1, उस बैच में वीडियोस पर जाएंगे तो वीडियो आज का अपलोड कर देंगे, और उसी में असाइनमेंट सेक्शन में जाएंगे जहां पर हमने गेम 1 दी थी वहीं पर आज गेम 2 डाल देंगे, तो आपके पास आज का टाइम है कल का टाइम है गेम 2 के जितने भी सम्स आप कर सको, आई डोंट से दैट सारे करने हैं बट गेम 2 के एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 18 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो आराम से, और जो बैक साइड पर PCK है ना PCK, उसके PCK में भी 8 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 3-4 पजल्स होंगी, तो वो सारे भी आप ट्राई कर लेंगे, और उसमें जो डाउट होगा वो मंडे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और मंडे को हम लोग सेट्स स्टार्ट करेंगे। आप उसके पहले NCERT आप में से 11th की NCERT सबके पास है, अगर है तो उसकी फर्स्ट 2-3 पेजेस 4 पेजेस अपने आप रीड करो, उसको रीड करेंगे तो क्लास में आप आएंगे तो आप बहुत बेटर तरीके से क्लास में एंजॉय करेंगे। तो एनी क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, पहले तो ये बताओ कि आज की क्लास में वॉइस क्लियर आ रही है थ्रू आउट? ओके, जो बातें समझ में आई डिस्कस करेंगे, समझ में आ गया सबको? फिर भी अगर आपके कोई इंडिविजुअल डाउट्स हो ना, कोई भी इंडिविजुअल डाउट्स हैं तो आप ग्रुप पे डाल देना, व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना हुआ है उसके ऊपर डाल देना कुछ भी। ओके राइट, थैंक यू। सो टुडे वी आर गोइंग टू एंड द सेशन एंड विल मीट ऑन मंडे सेम टाइम। हाँ कल ऑफ है बेटा, कल परीक्षित कल ऑफ है, कल कोई क्लास नहीं है, आपके पास काम होगा ना, आप गेम करते रहना और NCERT का जो पहला टॉपिक है उसको थोड़ा रीडिंग लगा लेना, एंड स्टे होम स्टे सेफ, खाओ पियो आराम करो। ओके थैंक यू।